दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपको टैक्स सेविंग एफडी करनी है, क्योंकि दोस्तों सेक्शन 80C के अंतर्गत आप जो है 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए तक का जो है आप रिबेट पा सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है और आपको 1.5 लाख में जो है छूट मिल जाती है। तो कैसे आपको SBI में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना टैक्स सेविंग FD को ओपन करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैक्स सेविंग FD मिनिमम आप 1,000 रुपए और मैक्सिमम आप जो है 1.5 लाख रुपए ही आप जो है यहां पर जो है कर पाएंगे। तो कैसे करना है चलिए चलते सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि गूगल क्रोम। आप सर्च करेंगे ऑनलाइन SBI.com और यहां पर पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से आप यहां पर जो है कंटिन्यू टू लॉगिन पर यहां पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा को यहां पर फिलअप करके अपने अकाउंट को सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। और यार गाइस, आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से 1 टाइम पासवर्ड एक मैसेज आएगा। आप उस मैसेज को यहां पर फिलअप करेंगे और यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका इंटरनेट बैंकिंग यहां पर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको टैक्स सेविंग FD करने के लिए यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने के लिए यहां पर डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट है और यहां पर आपको जाना है और फिक्स्ड डिपॉजिट आपको यहां पर ऑप्शन नजर आएगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट ETDR पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मैसेज आएगा, उसको आप यहां पर फिलअप कर लेंगे और यहां पर सबमिट कर देंगे। अब आपको यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन नजर आते हैं, तो यहां पर दोस्तों आप जो दूसरा ऑप्शन है ETDR/ESTDR अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम, आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर सारी डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि मिनिमम FD आप यहां पर 1,000 की करवाएंगे और मैक्सिमम आप यहां पर 1.5 लाख रुपए की FD करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। चलिए हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अब हम यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको कितने अमाउंट की यहां पर FD करनी है, फिक्स डिपॉजिट, आप यहां पर जो है अमाउंट को एंटर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम कम से कम आप 1,000 की FD करवा सकते हैं और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है 1.5 लाख रुपए की यहां पर FD करवा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप इनकम टैक्स में जो है अपनी छूट पा सकते हैं। तो चलिए हमने यहां पर 1.5 लाख रुपए यहां पर एंटर कर लिया है और यहां पर ₹1,50,000 भी यहां पर आ चुका है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहां पर टिक कर लेंगे, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, टिक नहीं करना आपको। अब यहां पर इसके अलावा आपको जो है इंटरेस्ट रेट कैसे लेना चाहते हैं, जैसे कि यहां पर देखेंगे पहला ऑप्शन है कि इंटरेस्ट पेड एट मैच्योरिटी, यानी कि 5 साल बाद जब आपका ये मैच्योर हो जाएगी तब आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, या फिर आपको इंटरेस्ट पेड एट सेलेक्टेड इंटरवल्स, तो आप यहां पर ये सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जब हमारी मैच्योर हो जाए यहां पर पॉलिसी तब यहां पर हमें इंटरेस्ट मिले, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर टेन्योर ऑफ डिपॉजिट में आप यहां पर ईयर, मंथ या डेज को या फिर आप मैच्योरिटी डेट में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहां पर हमारी 5 ईयर की यहां पर जो है FD है, तो यहां पर 5 ईयर आ चुका है, ये मंथ में 0 है और इन डेज में भी यहां पर 0 है। उसके बाद हम यहां पर बॉक्स को टिक कर लेते हैं और टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहां पर आप इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे और यहां पर दोबारा से ओके करेंगे। अब आपने जो भी डिटेल्स यहां पर फिलअप करी है एक बार उसको आप अच्छे से रीचेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा बैंक की तरफ से, यहां पर आपको इस तरीके से इंटरेस्ट भी यहां पर परसेंटेज में दिख जाएगा। और जब आपकी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी यानी कि 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, तो यहां पर दोस्तों हमने 1.5 लाख रुपए की FD करवानी है, तो 1,97,110 रुपए हमें मैच्योरिटी के टाइम पर यहां पर मिलेगा और मैच्योरिटी डेट कब की है यहां पर आपको नजर आएगा। चलिए हम यहां पर नीचे आते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी यहां पर आपको ऐड करना है, यहां पर हमारे बैंक अकाउंट का नॉमिनी ऑलरेडी ऐड है, हमने अपनी मदर को अपने अकाउंट का नॉमिनी बना के रखा हुआ है, तो जो हमारी FD है यानी कि फिक्स डिपॉजिट रहेगा उसका नॉमिनी भी हमारी मदर को अगर हम रखना चाहते हैं तो यस पर टिक कर लेंगे, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो यहां पर नो पर टिक कर लेंगे। फिलहाल मेरा नॉमिनी सही है तो मैंने यस पर टिक किया और कंफर्म पर मैं क्लिक करूंगा।
होगा। अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हमने एफडी करवाई थी वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा एफडी अकाउंट खुल चुका है। जितना भी अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करते हैं एफडी के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, उतना अकाउंट से आपके डेबिट हो जाता है, यानी कि पैसा आपका कट जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से टैक्स सेविंग स्कीम में जो है अपना SBI बैंक में FD ओपन करवा पाएंगे।